मैं आगे बढ़ रही हूँ इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है, मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है, दोनों बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता, उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी इन दोनों नेताओं के घर गए और वहां जाकर उनसे मुलाकात की। तस्वीरें भी सामने आ गई, जरा दिखा दीजिए तस्वीर। ये देखिए लालकृष्ण आडवाणी के घर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए उस समय की ये तस्वीर आपके सामने है। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करके उन्हें भीतर तक लेकर आई और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की लालकृष्ण आडवाणी से। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भी दिल्ली आवास पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मुरली मनोहर जोशी का भी आशीर्वाद लिया। विजय जी ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए ये एक तो कहना चाहिए कि गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है उसका गुरु दक्षिणा जैसा भी है, सम्मान भी है दोनों। और लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संबंध है लंबा समय का। लालकृष्ण आडवाणी को तो वो अपना वो मेंटोर मानते ही हैं कि उनकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में जो उनको भूमिका मिली लगातार पिछले 30 सालों में वो रही है। और लालकृष्ण आडवाणी की जब 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई थी, राम रथ यात्रा जिससे राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके गुजरात के प्रभारी यानी सोमनाथ में जिस दिन पहली बार 27 सितंबर 1990 को यात्रा शुरू हुई थी उस दिन संयोजक नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी के झंडे के साथ लालकृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा शुरू हुई थी। और उसके बाद 1992 में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र मोदी थे। और आपको याद हो 26 जनवरी 1992 को जब लाल चौक पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था तो उस वक्त नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी वहाँ पर मौजूद थे। तो वो एक लंबा कनेक्ट उन दोनों का वहाँ पर रहा है। मुरली मनोहर जोशी का तो लंबा संबंध रहा ही, लेकिन आडवाणी जी हमेशा ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए सिवाय 2013 की घटना को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद वो हमेशा रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री का कोई बड़ा मौका रहा है, लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन भी रहा है, तो नरेंद्र मोदी वहां पर गए, उनका आशीर्वाद लेने गए। ऐसा और हिंदुस्तान भारत रत्न का सम्मान भी उन्होंने पुरस्कार उनको सम्मान उनको किया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।